तो कैसे हो मेरे प्यारे निब्बा और निब्यो। तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस धोखेबाज भरी जिंदगी में हमें हर मोड़ पर जो है कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो आपको जो है शक करने पर मजबूर कर देता है। तो गाइस हम जो है इस शक को यकीन में कैसे बदल सकते हो, मतलब आप लोगों को आज पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर या जो भी पर्सन हो जिसका भी फोन की आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, गूगल पर क्या सर्च कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन किस समय ओपन कर रहा है, व्हाट्सअप कब ओपन कर रहा है, फेसबुक कितने देर तक ऑनलाइन रहता है, सब कुछ जो है आप पता कर सकते हो। गाइस इतना ही नहीं, उसके फोटोज, उसके गूगल फोटोज में जो है कितने फोटोज अपलोड किए हुए, उसके कॉन्टैक्ट फोन में जो है गूगल कॉन्टैक्ट में कितने कॉन्टैक्ट जो है सेव किए हुए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप अपने फोन पर देख सकते हो गाइस 101% रियल ट्रिक के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया नहीं। तो भाई मेरे जाओ और फटाफट से जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसे तोड़फोड़ नए हैकिंग के धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है और इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास फिलहाल के लिए एक फ़ोन रखा है ना, तो आप कैसे जो है उस पर्सन की सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पर देख सकते हो। गाइस ध्यान से सुनिए, मैं ये जो भी ट्रिक आप लोगों को बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। भाई मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के माध्यम से किसी का कुछ गलत हो या फिर भाई मेरे किसी को प्राइवेसी के खिलाफ किसी तरह कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे ना कि मेरा चैनल। मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर लेना है। देखिए गाइस मैंने अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर लिया। यूट्यूब ऐप ओपन कर लेने के बाद आपको जो है अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर, ये जो कॉर्नर पर होती है ना प्रोफाइल वाली आइकन, वहाँ पर जो है क्लिक करना है कॉर्नर पर। उसके बाद गाइस आपका चैनल आ जा, मतलब आपका जो है नाम आ जाता है, आपका जीमेल आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस एरो पर जो है ध्यान से देखिए वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर यहाँ पर इस तरह से जो है गाइस क्लिक करना है। और ये जो प्लस वाला आइकन है ना, उस प्लस वाले आइकन पर जो है क्लिक करके आपको उस पर्सन का जीमेल अकाउंट अपने फ़ोन में लॉगिन कर देना है। भाई अगर आपको जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं करना आता या फिर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जीमेल लॉगिन कर दिया उस पर्सन का, तो इस तरह से जो है गाइज ये जो मेरा मिस्टर डीके की टेक जो है नाम आ रहा है चैनल का, उसी तरह से जो है उस पर्सन का यहाँ पर नाम और जीमेल आना चाहिए। तो गाइज मेरा पहले से आ रखा है, तो मैं क्या करना है, ऐसा नाम आ गया उस पर्सन का अपने फ़ोन में लॉगिन करने के बाद, तो उसके ठीक नीचे में आपको दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट है ना गाइज, कुछ नीले अक्षरों में लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो आपको जो है वहाँ पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। गाइज क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है, होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड प्राइवेसी। देखिए गाइज ध्यान से देखिए, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कुछ इस तरह से जो है ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है गाइज, डाटा एंड प्राइवेसी पर जो है क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और नीचे आओगे तो ठीक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, माई एक्टिविटी, मैप्स, टाइमलाइन। मतलब गाइज वेब एंड ऐप एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि वो फ़ोन पर उसकी क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन सा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर, सब कुछ जो है देख सकते हो। यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, गूगल पर क्या सर्च कर रहा है, सब कुछ जो है आप वेब एंड एक्टिविटी से देख सकते हो, है ना गाइज। उसके बाद आती है लोकेशन हिस्ट्री। लोकेशन हिस्ट्री में क्या होगा गाइज, आप उसके जो है सारी हिस्ट्री, वो इस वक्त कहाँ कहाँ जाता है, कौन से लोकेशन पर अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं, सब कुछ जो है आप लोकेशन हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। उतना हो जाने के बाद गाइज आपको कहा है नीचे में यूट्यूब हिस्ट्री। अब तो आप समझ ही गए होंगे यूट्यूब हिस्ट्री से आपको यूट्यूब पर क्या क्या देख रहा है वो बंदा, जो आप सब कुछ जो है पता चल जाएगा। तो हम क्लिक करेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी पर। गाइज ये मैंने क्लिक कर दिया, तो कुछ लोड होने की प्रोसेस आ जाती है। माफ़ करना गाइज मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होने के कारण से जो है। तो गाइज देख सकते हो लोड हो जाने के बाद आपके सामने एक्टिविटी कंट्रोल्स का जो है ऑप्शन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इसमें स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है मैनेज ऑल वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो है आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। ध्यान से देख लिए गाइज, फिर बोलोगे आप
फेक है या फिर समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बोलोगे तो आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, मैनेज ऑल वेब एंड एक्टिविटी पर जो है क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया तो फिर से लोड होने की प्रोसेस आ जाती है, तो हम इसे थोड़ा लोड होने देते हैं। तो देख सकते हो गाइज, लोड हो जाने के बाद वेब एंड ऐप एक्टिविटी में जो है हम आ चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जाऊंगा, आपको गाइज ये जो सेटिंग्स मिलेगी आप कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। चाहे तो आप यहाँ से अपनी जो है एक्टिविटी डिलीट भी कर सकते हो। तो देखिए गाइज, स्क्रॉल करेंगे, एड्स आ रहे हैं, मतलब ये सिक्योरिटी का जो है ऑप्शन होता है हमारे फ़ोन में, सबके फ़ोन में। तो गाइज जो सिक्योरिटी का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेंजर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर डिटेल्स है, यूट्यूब स्टूडियो, ये फिर डॉक्यूमेंट यूआई, इंस्टाग्राम, मतलब गाइज ये क्या है अब ध्यान से समझिए। व्हाट्सअप मैसेंजर मतलब जो है मैंने अपना व्हाट्सअप जो है किस किस समय जो है ओपन करा और कितने देर के लिए यूज़ किया, सब कुछ जो है यहाँ पर हिस्ट्री आ जाती है। मैं जैसे ही ये जो गाइज डिटेल्स लिखा हुआ है ना, ये मैं डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो डिटेल्स पर क्लिक कर देने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आइटम डिटेल्स का जो है ऑप्शन आ जाता है ना गाइज, ये सबसे ऊपर में आप देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिक कर दिया था तो इंस्टाग्राम का नाम आ चुका है, और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे 14 मतलब 14:30 पर मैंने, यहाँ बराबर दिख नहीं रहा है गाइज, हाँ 14:30 पर मैंने जो है अपना इंस्टाग्राम ओपन किया। तो गाइज आप इसी तरीके से कौन से फ़ोन में ओपन किया था वो भी देख लीजिए, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, इस फ़ोन में जो है मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया था। तो गाइज आप यही से जो है उस पर्सन की एक्टिविटी देख सकते हो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होने के कारण से गाइज कुछ इस तरह से हो रहा है, अगर आपको भी हो रहा है ऐसा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। गाइज अब बैक आ जाता हूँ मैं, तो बैग आ जाने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, व्हाट्सअप, मतलब जो भी मैंने यूज़ कर अपने फ़ोन में, गैलरी कब ओपन किया था, गैलरी प्लेयर, ये सब मैं जो भी सेटिंग्स करता हूँ, जो भी एक्टिविटी करता हूँ अपने फ़ोन पर, वो सब कुछ जो है आ जाती है। गाइज आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पर्सन का जीमेल अकाउंट जो है अपने फ़ोन में जो है लॉगिन कर देना है, और जो प्रोसेस बताई मैंने आप लोगों को इस वीडियो में वो आपको प्रोसेस जो है कर देना है। गाइज ध्यान रहे जो कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल वाला आइकन है तो उस पर्सन का जो है आइकन होना चाहिए जिसका आपने जीमेल ऐप पर लॉगिन कर रखा है ना गाइज। तो गाइज यही जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बताता हूँ मैं आपको अगले स्टेप, अगर गूगल फोटोज़ या फिर गूगल कॉन्टैक्ट, तो गाइज कॉन्टैक्ट के लिए मतलब उस पर्सन के कॉन्टैक्ट अपने फ़ोन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनिए। कहा गया मेरा कॉन्टैक्ट वाला एप्लीकेशन, ये कॉन्टैक्ट पर आ जाता हूँ गाइज मैं। कॉन्टैक्ट पर आ जाने के बाद गाइज सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और गूगल कॉन्टैक्ट जो है इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है। गाइज ये एप्लीकेशन है गूगल कॉन्टैक्ट नाम से, तो आपने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड कर देने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। तो गाइज यहाँ पर जो जीमेल का जो आइकन है वहाँ पर जो आपको क्लिक करना है, और गाइज यहाँ पर आपको एक ऐड अकाउंट का जो है ऑप्शन मिलता है ना, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐड अकाउंट का जो है ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ऐड उस पर्सन का जो है जीमेल अकाउंट ऐड कर देना है। तो भाई उस पर्सन के फ़ोन के जीमेल में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए हुए हैं वो सब के सब कॉन्टैक्ट जो है आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, गाइज यहाँ से डिलीट कर दोगे तो उस पर्सन के फ़ोन से भी हो जाएगा, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट सेव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो गाइज ये ट्रिक थी मैंने आप लोगों को बता दी है, और सेम टू सेम प्रोसेस गूगल फोटोज़ का। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, गूगल फोटोज़ जो है डाउनलोड कर देना है और जीमेल अकाउंट लॉगिन कर देना है, तो उसके फ़ोन में जितने भी गूगल फोटोज़ जो है अपलोड किए हुए हैं सब कुछ जो है आ जाएंगे। तो गाइज़ ये जो भी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के माध्यम से किसी का कुछ गलत हो या फिर किसी को किसी तरह का कोई नुकसान सहना पड़े, मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो गाइज़ यही जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। सो गाइज यही जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।